कैसे हो सब लोग भाई? वन पंच मैन में काफी ज्यादा अच्छा मतलब लग रहा है भाई, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, वो मेरे को दिख रहा है, इसीलिए हम देख भी रहे हैं एंड अब मजा भी आने वाला आ रहा है। मतलब पहले यार स्टार्टिंग में फन आ रहा था, लेकिन अब थोड़ी स्टोरी चल रही है ना, तो अब थोड़ा सही लग रहा है। तो चलो आज कंटिन्यू करते हैं उसी को। वीडियो पे नहीं हो तो लाइक शेयर कॉमेंट सपोर्ट सब कुछ कर देना, ठीक है? तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मजे करते हैं। तो तुम हो सिफो? हाँ यही है साला। हाँ मैं हूँ। तो मुझे लगता है तुम भी कोई सोल्जर ही होगे। यस जेनोस। नाइस घुसा। भाई नाइस घुसा नहीं, नाइस अटैक यार। लेजर बीम थी जैसे भैंस की आग, छेद कोई किसी गांड में पड़ता था उसमें दो छेद हो जाते उसके। है कोई और? लेकिन मेरे को लग रहा है वो मरा नहीं है। ये बस आखिरी था। आई डोंट थिंक सो। ये कैसे हो सकता है? ये तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। ज्यादा खुश होएंगे नहीं ये, ले मेरे को। ये बढ़िया था भाई। उसने हाथ पकड़ के घूसा मारा है और हाथ हाथ में रह गया और वो उधर गया और उसके भी भाई दांत दिख रहे भाई। आखिर मैं कब सीखूंगा? Saitama, Class C, Rank 2. कर लोगे तुम ये? हाँ। वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा भाई? अपना टैकलू मैन ही तो करेगा। इसका फिटनेस रिकॉर्ड सबसे ब्रिलियंट है। Saitama, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, फौरन वहाँ पहुँचो। अब शायद मजा आए देखने में। बे साले हार्ट फेल हो जाएगा, धीरे चला। बे स्टैमिना तो ये साइकिल चलाने में खत्म कर देता है। भागो सालो भागो। ये वही है ना पहले Saitama को इसमें लास्ट एपिसोड में इतना गाड़ियां दे रहे थे साले सुअर। वो उनको मारने में लगा हुआ है और ये अपने जेनोस की पाय। उसने भी दिया। ये भाई उसने दिया घुसा, एक हाथ से लड़ रहा है बैठ वो। ओए बीच में मारा है भाई, बीच में। लेकिन ये काफी ज्यादा लाइटनिंग आई। लेकिन ना मशीन गन्स ब्लो, ये नीचे फ्लोर पे आया है। उसको मेरे को लग रहा है ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा यार सी किंग को। ये देखो बच्ची हो, इससे क्या होगा? एसिड है। इतना आरामी है भाई वो छोटी बच्ची पे, उसने एसिड फेंका है सुअर के बच्चे ने। ये देखो एसिड ऐसा है कि उसका भाई वो हो जाता है यार। भाई वो मेटल गर गया तो वो सही में भाई उसका क्या हाल होता है ना? अगर तुम मुझ पर ध्यान रखते तो ये हाल ना होता। तुम मेरे मामूली से एसिड के हमले की जद में आ गए। भाई मामूली सा तो एसिड था नहीं यार, वो सुअर सुअर कांटू। लेकिन हाँ मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा मुझसे फाइट करने के लिए। को लग रहा शायद हमारी एंट्री होने वाली है। नहीं ये साला वो साइकिल वाला चूतिया है। जस्टिस का एक रैप्टे का नहीं है ये, एक रैप्टे का सी क्लास का टॉप ही। मत करना। अरे वो ह्यूमन राइडर है, वो हमें यहाँ बचाने के लिए आया है। उसकी भी लगने वाली है। मैं वैसे ही बोर हो रहा था। As I would. हैंडशेक करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है वो। माफ करना। मैं तुम्हें मारना तो भूल ही गया। इसको किसने हीरो बना दिया भाई? इसको न्यूमन राइडर साला चूहा चूतिया।
किसी को मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। वो तो सही में उम्मीद नहीं है। ये मेरी बात तो नहीं कर रहा। मददगार साबित नहीं होगा। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है कि मैं क्लास बी जितना भी लाइक नहीं, और मैं ये भी जानता हूँ मैं जितनी भी कोशिश कर लूं तुमसे किसी सूरत नहीं जीत सकता। ये सब मैं पहले से ही जानता हूँ। ये तुम मुंह ही मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हो, जिंदगी की भीख मांग रहे हो। जिंदगी की नहीं, वो परेशान है अपनी जिंदगी से। इसका ताल्लुक हार जीत से नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ मेरी हिम्मत और बहादुरी से है। भाई क्लैप कर दो यार इसके लिए। देखो लगा था कुछ भी कर पाएगा और नहीं भी कर पाया। देखो मजाक नहीं, लेकिन वो अपना जो है ना पूरा हिम्मत लगा रहा, पूरी हिम्मत से लड़ रहा है। उसे पता है मैं नहीं जीतूंगा इससे, लेकिन फिर भी ऐसे मैं भी लगा हुआ हूँ। मुझे पता है मैं कर दूंगा। ये हरामी वही लोग है ना जो सैतामा को बोल रहे थे तूने डिस्ट्रॉय कर दिया आधा हमारा, ये वो लोग भाई अपना फायदा देख के बोलते हैं बस और कुछ नहीं। ओ मारा तो है इसने पूरा अपनी ताकत से, बट उसको मेरे कुछ फर्क पड़ा होगा कि नहीं। आई डोंट नो, मुझे जवाब दे दिया उसने खुद ही। जेनोस तो ये भी नहीं कर पाएगा, दोनों हाथ खत्म हो गए। नहीं ये वो भी करने के लिए पता नहीं वो है कि नहीं। एक मिनट पहले मैं सारे समुद्री जानवर को मजा चखाता हूँ। ठीक है अब मेरे को देखना है कि ये क्या करेगा। भाई उसकी गर्दन ऐसी हुई थी जैसे रबड़ की तरह, और हिला तक नहीं हुआ। मेरे पंच के बावजूद तुम अपने पैरों पे खड़े हो। अब उसका पंच पड़ेगा तो देखते तू पैरों पे खड़ा रह पाएगा या नहीं। और तुम्हारा पंच तो बहुत ही कमजोर था। लगता है ये भी हीरो है। के मुझे हरारा तुम्हारे बस की बात नहीं, मेरी बात ना मानने का मतलब बस बस है। बहुत बोलते हो लड़ाई शुरू करते हैं, तब नहीं है मेरे। स्वैग है भाई अपने टकलू मैन का। उसने कुछ तो किया। उसने हाथ उखाड़ हाथ तोड़ दिया शायद उसका। इसने मारा है पंच, और उसके जो है ना पूरे अंचर पंचर निकल आए भाई। आंख आते कान से चटिया सब मूद दिया भाई उसने, एक ही भूसे में मूद दी भाई। इतनी देर से वो ड्रामे कर रहा था, इतनी देर से इतने सारे मार दिए बंदे उसने। पता नहीं मुझे मेरी टक्कर का मॉन्स्टर कब मिलेगा। वही तो पता नहीं कब मिलेगा यार, लेकिन बंदे कह तो रहे हैं जल्दी मिलेगा, पर वो पता नहीं कब आएगा यार जल्दी। ये सीजन मैं अपने हथियार के साथ वापस आ गया हूं। अब ये सुअर अपनी मजा आएगा, उससे लड़ेगा। सीकिंग की तो लेनी देनी करी थी उसने। उतारा था वो काफी ज्यादा देखा। क्या ये वाकई क्लास सी का हीरो है? ये मुझे लगता है ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही कमजोर था। ये कौन लोग बहन, ये भी तो हो सकता है वो हीरोज इस मॉन्स्टर से ज्यादा कमजोर हो। ये भी हो सकता है क्योंकि जब वो मॉन्स्टर मरा तो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था। जब ही तो मैं कह रहा हूँ ये मॉन्स्टर क्लास सी हीरो के एक पंच से मर गया।
वो हीरोज इस कमजोर मास्टर से मार खा गए और ये हीरोज अपने आप को कसम से यार इनको ना भाई मिट्टी और ही गिरते देने चाहिए थे, साले मर जाते सारे, सही रहता मैं इसकी यार। उसने अपनी जान खतरे में डाली हमारे लिए, जान खतरे में डाली ये तो कोई भी हीरो कर सकता है, लेकिन हीरो का काम है मॉन्स्टर को हराना। इस बार सब ठीक हो गया है तो खैर क्या बहंगे साले, मेरे को गुस्सा आ गया ऐसे भाई लोगों के साथ, बहुत ज्यादा गुस्सा। सामने आकर हमें बचाने की कोशिश करते हैं, अगर अपने आप को इतना ही हीरो समझते हो तो मुंह तोड़ दो। मार भैंस की, मार 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 मार। मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? देना भैंस की, दे गुस्सा दे। हमसे फंड्स लेती है, है ना? तो हमारा हक है कि हम उनसे सवाल करें और वो हमें प्रोटेक्ट भी करें। अरे कहां चुप? भाई ये है ही नहीं उस लायक भाई की इनको बचाओ। आज मेरा लकी डे है। क्यों? दूसरे हीरोज ने मार मार कर मॉन्स्टर को इतना कमजोर कर दिया कि मेरे लिए उसको हराना बच्चों की बात बन गई। शुक्र है कि मैं देर से आया, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब वाह सिर्फ मेरी होगी। हे सब लोग कान खोल कर सुन लो मेरी बात, इस मॉन्स्टर को सिर्फ और सिर्फ मैंने ही मारा है, तो अगर किसी ने ये बोलने की कोशिश की कि मैं देर से आया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ये क्या बोल रहे हैं? मॉन्स्टर पहले से ही कमजोर था, ओहो ये तो साइतमा है, तभी तो कहूँ मैं। साइतमा? तुम्हें नहीं मालूम ये वही सिटी जेड वाला हीरो है जिसे सब चीटर कहते हैं? क्या कहा, चीटर कहते हैं? ये कहीं चला गया था, पता नहीं क्यों वापस आ गया अचानक इस तरह। अजीब बात है ना। हे इधर देखो, बातें बनाने से बेहतर है जख्मी हीरोज का ख्याल रखो, क्योंकि अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो मैं इनके काम का क्रेडिट कैसे खाऊंगा। ये एक चीटर ही है, जो भी हो ये ठीक नहीं हो रहा। तो क्या सब इसने क्रेडिट के लिए किया? मैं तो भाई वो जानबूझ के कर रहा है। कहीं से हीरो नजर आता है? हीरोज तो वो थे जिन्होंने मॉन्स्टर से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। लोग सही कहते हैं इस बार। इसने अपने आप से ही दूसरों को ना वो करा है यार, अपने आप से ही अपने खिलाफ बुलवा रहा है उन लोग, मतलब बोल रहा है ताकि वो लोग नफरत करें। बारिश रुक गई है शायद। अगर आपने यही रास्ता चुना है तो मैं इसके बीच नहीं आऊंगा। ये किसी का फेवरेट नहीं बनना चाहता है, लेकिन ये सबको बचाना चाहता है। लगाने की कोशिश की गई। भाई साइतामा यू आर बेस्ट यार, उसमें भी वही लिखा होगा, उसके में सारी गालियां ही लिखी होंगी। थैंक यू द हीरो साइतामा। कोई मुझे थैंक्स में लिखा हुआ हो सकता है, कोई ऐसा हो जिसको आपने बचाया हो। हाँ शायद कुछ और भी है क्या? ये देखें, हीरोज एसोसिएशन की तरफ से। हीरोज एसोसिएशन? वो लोग मुझे निकाल रहे हैं क्या? खैर जो भी है देखता हूँ। हाँ ये क्या है? वर्ड रिकॉग्नाइज्ड नंबर 1 क्लास सी का नंबर 1 बना दिया इसको। वाओ प्रमोशन हो गया अपने साइतामा का। जब आपको इंडस्ट्री में शामिल किया गया सब चिढ़ेंगे इसे, एक ही गुस्से में मार दिया उसने, एक ही गुस्से में मार दिया। ये देखो कैसे दोस्तों इतना उदास चेहरा लेकर क्या बचा हुआ है अभी यार। ओ भाई याद आ रही थी क्या, मजा आ गया। आ जाओ इंजेक्शन लेके आया है भाई ये। कैसे हो यार भाई, ये क्या वक्त हो दिया भाई साला मीठा। एस क्लास फेलर, ओ यही है ये। हाँ यही है, यही है। और अब ये पहाड़ों में कहाँ आ गया? अब नया कोई नया निकलने वाला है क्या? पहाड़ों से समुद्र से निकला था, अब पहाड़ों से निकलेगा क्या? लग तो ऐसी रही क्या? ओ रेड आईज, ये टेरर रिजल्ट। सबको साले को ना अर्थ पे रूल करना है। ये मिसाइलें आ रही हैं भाई, ये लिजर्ट कम भाई, वो डायनासोर ज्यादा लग रहा है भाई। एक एक करके उठ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके। ये बढ़िया थोड़ा सीन जो है ना बढ़िया चल रहा है। अब ये कौन है भाई, कुछ नया? अच्छा ये है, ये लड़ेगी। चलो इसको भी देख लेते हैं लड़ते हुए कैसे लड़ती है, देखा नहीं वैसे हमने। ओ सेक्सी गिट्टी, छोटी हाइट वाली। हाँ क्या कहा, वापस आ जाओ।
तुम्हीं ने कहा था कि अजीब सा मॉन्स्टर जाग गया और तुम ही लेकर आए थे मुझे। हाँ, अभी तो फाइट शुरू होने वाली है। एंशिएंट किंग। चुकी हूँ, पता नहीं आखिर वो अपने आप को समझता क्या है। हो गई तुम्हारी बात। तुम्हारी जिन पर क्या है? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो या मैं कांपना शुरू कर दूं तुम्हें देखकर? बनने की एक्टिंग कर रही हो, जो कि तुम बोल रही हो, छोटी बच्ची। छोटी बच्ची। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक्टर कहने की? इसके लेग पीस बड़े मस्त है यार। वो रही भाई, उड़ सकती है वो। ये वाला कपड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं उड़ सकता है क्या? पीछे वाला यार एक पीस, या आगे वाला एक पीस, कुछ ज्यादा उड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो फिर मैं वही ले आती। ये बीस्ट बॉम्ब, ये क्या आ रहा है? तो दोबारा 3000 साल सोने के बारे में क्या ख्याल है? What the fuck बे, ये हुआ क्या भाई? No, वो पता नहीं गोल से कुछ आया और वो कंकाल बन गया भाई। What the fuck bro? Water, crashing rock. अब ये वैसी कोना मुना आ गया यार। अच्छा ये बुढ़ा हुआ है यार, वहाँ पर क्या हुआ? कोई फाइट हुई नहीं यार वो तो। ऐसा ही कुछ करना होगा, क्या ट्राई करना चाहोगे? अच्छा ये लोग यहाँ पर आए हैं इसके वो करने, ट्रेनिंग लेने। बन जाओगे, क्या ख्याल है? क्या ये वो कूल चीज है जो तुमने कहा था कि तुम मुझे तुम्हारे डोजो के लिए सेल्स में? थैंक्स, मैं इंटरेस्टेड नहीं, तुम चाहो तो कर सकते हो। नहीं मुझे भी, मुझे सेल्फ डिफेंस का आर्ट नहीं सीखना बल्कि अपने ओपोनेंट को खत्म करने वाली पावर। अच्छा। तुम दोनों हमारे फाइटिंग स्टाइल का मजाक उड़ा रहे हो, मैं मास्टर का सबसे बेस्ट। अब वो कौन, ये कौन नमूना? लेकिन मैंने उसे मार कर निकाल दिया। तुम्हें देखकर लगता नहीं उसे मार। ये मशहूर हीरो सिल्वर फैंग है। सिल्वर फैंग क्लास एक्स रैंक 3। जैसे पानी से खेल रहा भाई वो, जो भी था गारो गोरो जो भी था वो काफी ज्यादा अच्छा लुक का था यार, वो देखने को मिलेगा हमको। और तुम अभी अभी हीरो बने हो इसलिए तुम्हें अभी इस बात की समझ नहीं आएगी, तो कभी किसी को कमजोर मत समझना। बहुत हो गया, मुझे शर्मिंदा मत। हमारा गेस्ट साइतामा मुझसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? साले मास्टर की चाटने वाला। एसोसिएशन वालों ने भेजा है अमरचंद, क्या हो गया? क्लास एस के तमाम हीरोज को बुलाया गया है, जल्दी से एसोसिएशन हेडक्वार्टर। जेनोस और बूढ़ा हुआ है ना एस रैंक के, तो आप तो मिस्टर जेनोस साइतामा नहीं। अच्छा हुआ आप भी यहां मिल गए, सारे क्लास एस हीरोज को बुलाया गया है, आप भी जरूर आइए। तुम यहां से फौरन भाग चले। लॉस्ट चाइल्ड और इतना कोई मसला क्लास एस रैंक 2 बोलने की हिम्मत नहीं। अपनी फिजिक पावर का इस्तेमाल करते हैं मॉन्स्टर्स को हरा सकती है। हाँ देखा, वो सब यहाँ आ गए। वो तगड़ा था यार, लेकिन यार कुछ विजुलाइजेशन भी सही नहीं था। इग्नोर करना बंद करो मुझे। मीठा भी आया हुआ है, सारे एक्स रैंक के हैं ये सब, बच्चे भी है बे छोटे छोटे, और ये मीठे भी है, और कुत्ता बिल्ली भी है बे, और ये काला काला लिबास कहाँ से आ गया भाई? कहा है मेरे पास के मैं चला उसके करीब हूँ। यकीनन सीरियस प्रॉब्लम है, इसीलिए सबको यहाँ बुलाया। सही में सीरियस प्रॉब्लम है ना? डीमन या ड्रैगन जो भी हो, जल्दी बताओ। साइतामा। रैंक टॉप है। ये है एस रैंक 13 पे है, फ्लैशी। एस रैंक 12 वॉचिंग डॉग। अभी कुत्ता नहीं है, कुत्ते के लिबास में कुत्ता है। और ये काड़े के दिलीबाज में काड़ा कुत्ता। और ये कौन है भाई? सुअर है भाई ये तो। ये रैंक 9 का, रैंक 8। कोई भी मुझे यहाँ सीरियस नजर नहीं आ रहा, क्या ये बस इसी तरह खाता ही है? ये 7। ओ इसकी हॉट बीट सुनाई दे रही है हमको, 6 आया है नहीं। मेटल किंग मर गया ना वो तो शायद, रैंक पर आज भी नहीं आया। और ये 5th पे ये बच्चा लॉलीपॉप खा रहा है। कच्चा समुराई जो अभी हमने देखा। सारे स्टूडेंट्स को यहाँ बुला लिया है।
और ये रैंक 3 का सिल्वर फैंग 2 का 2 ये टू टोर्नेडो ऑफ टेरर और 1 नॉट प्रेजेंट 1 आया नहीं भाई क्या मुझे 63 बी रैंक माफ कीजिएगा मुझे आने में देर हो गई। अच्छा ठीक है। नहीं मालूम कि मेटल नाइट और ब्लास्ट कहाँ हैं और ना ही हम उन तक पहुँच पाए। मेटल नाइट और ब्लास्ट। तो उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी मीटिंग को शुरू करते हैं। प्रिडिक्शन करने वाली मैडम शिबाबवा इस दुनिया में नहीं रही। वेट, मैडम शिबाबवा, उनका कत्ल हुआ है। वो कौन है? अगले 6 महीने के फ्यूचर का जायजा लेते हुए उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्हें शदीद खांसी होने लगी जिसे रोकने के लिए उन्होंने कफ सिरप का इस्तेमाल किया लेकिन बदकिस्मती से वो एक्सपायर था। कफ सिरप एक्सपायर हो गया, बुढ़िया भी एक्सपायर हो गई। इसीलिए बुलाया गया है? बिल्कुल नहीं। मैडम शिबाबवा ने वैसे भी कुछ नई आने वाली आफतों के बारे में पहले से बताया था। एक्सक्यूज मी, लिहाजा हमें तुमसे बात मीठे से। ये शबाबवा कौन है? क्या कोई हीरो है? तुमने उसके बारे में नहीं सुना? नहीं मीठे। वो फ्यूचर देखने में बहुत वही कह रहा हूँ, ये बुढ़िया तो खुद एक्सपायर हो रही है। चाहे इसको हम एक्सपायर वाली दवाई खिलाना पिलाओ तो मरने वाला मरने का हालत में ही थी। और इसके बावजूद भी हमने उन्हें बॉडीगार्ड और स्पेशल ट्रीटमेंट दी थी। ये दुरुस्त है क्योंकि उनकी बताई गई सभी प्रिडिक्शन 100% सही साबित। तो अब क्या प्रेडिक्ट करके मारी है बुढ़िया? इस वक्त मसला है ये, मेरे हाथ में उनकी की गई आखिरी प्रिडिक्शन मौजूद है। क्या आप लोग पढ़ सकते हैं? ये अर्थ खतरे में है। अर्थ खतरे में है तो वो तो रोज ही होता है। मजाक कर रहे हो ना, ये बेवकूफी है। क्या मैं जा सकता हूँ? मेरा स्कूल है। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़हीन हो चाइल्ड एम्परर, लेकिन अगर तुम इस खतरे को नहीं पहचान रहे तो मुझे ये कहना होगा कि तुम बहुत इमैच्योर हो। साड़े वो बच्चा है, लॉलीपॉप खा रहा है भाई। सब बात सुने मेरी मैडम, उससे कैसे मैच्योरिटी 100% ठीक होती है? ठीक है फिर। उन्होंने माजी में भी कई आफात और हादसों की प्रिडिक्शन की थी जिनमें से कुछ के नतीजे में कई जानें भी जाया हुई, लेकिन इससे पहले उनकी किसी भी प्रिडिक्शन में लफ्ज खतरे का इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि उन आफात से बड़ी कोई आफत आने वाली है और हमें यकीन है कि बिगर देन ड्रैगन 6 महीने में किसी भी वक्त। मतलब वो कल भी हो सकता है और आज भी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम हो कौन? बी रैंक। ये आपको जल्द पता चल जाएगा। बिल्डिंग पर अटैक किया जा रहा है भाई। मेरे को लग रहा है स्टार्ट हो गया भाई, प्रेडिक्शन स्टार्ट हो गई। ओ भाई किसी ने अटैक करा है, हवाई हमला हो रहा है भाई, हवाई हमला। ये कौन आया है भाई? जोकर 2-3 हॉक ईगल फैल्कन स्काई 5-5 है। ये सबको भैंस की वर्ल्ड ही चाहिए यार, चूती है भाई। ओ भाई ये कौन था? ओ ये बस था, ये कौन आया? अच्छा किया, हमारा फर्ज है शिप को प्रोटेक्ट करना। भाई इसने मार दिया, ओ शिप आ गई भाई। ये देखो कितनी बड़ी है भाई, पता नहीं लगा किसी को आई कहां से ये। अब आएगा मजा, जैसे मैं कह रहा था बड़ा बिल्डअप, तो बड़ा बिल्डअप में भी है। और आई होप सो कुछ तगड़ी फाइट हो, बराबर की ना हो, मतलब वन साइडेड ना हो, बराबर की हो। ये क्या कर रही है? काट दिया। यहां से भागो जल्दी। काटा तो मस्त है बट वो मरा होगा। निकल गया, मेरे को लगा कि वो भाई उसका बन जाता भैंस क्या। और यहाँ इंतजार कर रहा एटॉमिक है। ओके जैसे मॉन्स्टर का सामना कर, मॉन्स्टर एटॉमिक, ये सब तुमने किया। वाह यही तो मजा आता भाई। इंफेक्शन लेवल 99.8% हो चुका है, सिटी ए पूरी तरह तबाह हो चुका है। एक ही बार एक में बार ये प्रेडिक्शन इतनी जल्दी पूरी कैसे हो गई? मुझे लगा क्या भी बक नहीं सही है भैंस का, जल्दी जल्दी क्यों होना चाहिए था। कैसे बच गई ये? आ गया ऊपर, ये तो बहुत बड़ी है। क्या ये? यस एलियंस ही है ना। हाँ
ये क्या मिसाइल है, मिसाइल। अच्छा तो ये है जिसने शहर को तबाह किया। बहुत सारे फायर हुए, बहुत सारे। बस बहुत हुआ। ये पावर तो अपने सायता में भी कम नहीं है। और इसकी यहाँ पे यार उसने तो उसको बीच में से काट दिया, इतना वो हील हो रहा है। और तेज भी है, हमें इसको जल्दी मार देना चाहिए। अच्छा आइडिया है। हील हो जा रहा है ना वो, इसीलिए नहीं मर रहा है। हथौड़ा बचा। इसका हार्ट अटैक पहले से ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको हरा नहीं सकता। ये इंसान तो बहुत कमजोर है और इसको मारना तो बहुत आसान है। ये अलग अलग हो रहा है, ये तो एक से ज्यादा। उसका हाथ उड़ा दिया भाई साहब हथौड़े से। ठीक है चलो शुरू करो भैंस की आप। ओए ये किसे, ये क्या हुआ? अच्छा इसने मारा है लेवल 4। मास्टर तलवार का इस मॉन्स्टर पर असर नहीं हो रहा, आप मेरी फिक्र मत करें, आप जाए यहाँ से। ये दोबारा से बन जाएगा ऑफ कोर्स, बट वो टुकड़े टुकड़े करते जा रहा है और वो मेरे को लग रहा है दोबारा जुड़ते जाएंगे, है ना? तुम्हारी तलवारबाजी वाली जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, संभालो खुद को। मीटे ये उसकी भाई जाने दिखा रहे यार, मूड खराब कर दिया भाई बिल्कुल ही भाई। एंजल फ्लैंग रॉज, ये ले ये ले ये ले ये ले। बट उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा साले मीठे। सिटी और उसके आसपास के शहरों को खाली करने की वार्निंग जारी करो अभी इसी वक्त। अब तेज हो रही है, धुक 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 धुक। रुको मैं भी तुम्हारे साथ। बच्ची साली, मुझे नहीं मालूम मैं कितना हेल्पफुल रहूंगा, लेकिन मैं उस पर जमीन से हमला कर सकता हूँ। शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा ना उसको अकेले लड़ना है। तुम्हें क्या हो गया? अगर तुमने उसे ज्यादा गुस्सा दिलाया तो वो तुम्हें मार देगी। तुम्हें मार देगी, मतलब सब एक दूसरे को मार देंगे सब गुस्से वाले। इसके साथ टीम बनाने का फायदा नहीं है, मास्टर तो पहले ही कामयाबी से उनके शिप में दाखिल हो चुके हैं। ये देखो अंदर की क्या हाल मचाया मास्टर ने। मास्टर नहीं जो मास्टर को। यस यस, ये देखो भाई उसने अपना रास्ता अंदर घुसा, रास्ता बनाते सबको फेल पाल के गया कहां पे, ये रहा। अच्छा लेट्स सी, देखते हैं सास देर। ओ भाई ये इतनी बकचोदी करते हैं और उसके बाद भाई ये एक सेकंड नहीं लगता है मरने में। अरे यार अब तक तो इनके बॉस को सामने आ जाना चाहिए था, अगर तो वो वाकई अभी तक वो बॉस ही है क्या नीचे जो लड़ रहा है? ये है बॉस, बॉस ये है, ये कुछ तगड़ा है यार। मैं आई होप सो कि ये तगड़ा लड़े और भाई मजा दिला दे बॉस, और कुछ भी नहीं चाहिए भाई। बॉस तो तगड़ा है एंड अपना वन पंच मैन भी तगड़ा है, वो तो एक ही बार में चीथड़े उड़ा देता है। लेकिन पता नहीं यहाँ पर मेरे को ऐसा फीलिंग्स आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे वन पंच मैन का वन पंच यूज, मतलब यूज तो होगा लेकिन काम नहीं आने वाला है, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। बाकी वो तो अगले एपिसोड में पता लग जाएगा। अगले दो एपिसोड इस सीजन के फाइनल एपिसोड्स होंगे, उसके बाद हम सीजन 2 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सो आपको मेरे साथ देखने में मजा आ रहा हो, मजा आ रहा है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना एंड सपोर्ट करना। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी, ठीक है? तो बस करो और एंजॉय करो। और भी वीडियो डाल लिए मैंने न्यू हो चुके, और सारी वीडियो एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा मस्त मस्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।